हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 25 जून। तो 25 जून के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो हमने 24 जनवरी के जून के करंट अफेयर्स पढ़े थे, तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था। तो सबसे पहले हम वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के यानी कि 25 जून के करंट अफेयर्स। सो देखिए, कल का आपका टेस्ट है कि हाल ही में किस उत्पाद को GI टैग मिला है। तो उस उत्पाद का नाम है कोल्हापुरी चप्पल। बी ऑप्शन सही है, नम्मा कोल्हापुरी चप्पल को हाल ही में GI टैग दिया गया है। और मैंने आपको पूछा था कि GI की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। और मैंने ये भी पूछा था कि हमारे भारत का पहला प्रोडक्ट किसे था जिसे GI टैग मिला था, वो है दार्जिलिंग चाय, जिसे 2004 में GI टैग मिला था। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में बतानी थी और काफी जनों ने इसका आंसर सही दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की यानी कि 25 जून के करंट अफेयर्स। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है ये हाल ही में 23 जून को सेलिब्रेट किया गया। डी ऑप्शन सही है। और ये दिन मनाए जाने का उद्देश्य क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो विधवाओं के विचारों और उनके अनुभवों पर विचार विमर्श करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए और लोगों को विधवाओं की सिचुएशन के बारे में जागरूक करने के लिए जिनको मनाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है। तो UN के द्वारा जिनको मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के बारे में बताते थे कि UN इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई है और 24 अक्टूबर को ही UN डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में UN का हेडक्वार्टर। और इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना जे मोहम्मद। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस से रिलेटेड। अब इसके बाद देखिए, जून के मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो एक बार रिपीट कर देती हूँ। वैसे तो कल आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई थी, पर 21 से लेकर 25 तक के जितने भी डे सेलिब्रेट किए गए वो रिपीट कर देती हूँ। देखिए, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और 21 जून को ही संगीत दिवस भी मनाया गया, विश्व संगीत दिवस। तो 23 जून भी याद है। तो 23 जून को तीन दिन सेलिब्रेट किए गए। एक तो मैंने आपको बता दिया संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, और दूसरा अभी मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, और एक आप करंट अफेयर अभी पढ़ाया जाएगा आगे, वहां से नोट कर लीजिएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम आपको बताना है। तो RBI के डिप्टी गवर्नर का नाम था वायरल आचार्य। ए ऑप्शन सही है, वायरल आचार्य ने हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, जो वायरल आचार्य ने, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल इनका 6 महीने बाद पूरा होना था, पर इससे पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर आपको RBI के बारे में पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब आप लोग जानते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ है, और RBI के जो हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें गवर्नर हैं। और इनसे पहले 24वें गवर्नर आप लोग जानते हैं उर्जित पटेल थे। और सबसे पहले गवर्नर कौन थे 1935 में जो बने थे, तो उनका नाम है ऑस्बोर्न स्मिथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें RBI से रिलेटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोटियाना के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो मोटियाना देश के नए राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं, मोहम्मद औलद गाउजनी। ए ऑप्शन सही है, मोहम्मद औलद गजाउनी हाल ही में मोटियाना देश के राष्ट्रपति बने हैं। और हाल ही में मोटियाना जो है वहां पर वोटिंग हुई है और इन्हें 52% वोट मिले हैं। और इनके जो अगेंस्ट थे उनका नाम भी पता नहीं, तो उनका नाम है बिरम दा आबेद, जिन्हें सिर्फ 18.58% वोट मिले हैं। ये दो लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मोटियाना देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं। देखिए, जो मोटियाना देश है ना, ये फ्रांस से अलग होके बना है। फ्रांस से अलग होके 1960 में ये देश बना था, और 1960 में इस देश के गठन के बाद ये पहली बार है जब इस देश में चुनाव हुए हैं। ये पहले राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं इस देश में। यहाँ पर आपको मोटियाना के बारे में पता नहीं, देखिए यहाँ पर है मोटियाना, यहाँ पर एरो इंडिकेट कर रहा है, और इसकी कैपिटल है नॉकचट, और इसकी करेंसी है मोटियाना ओगविया, और इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद औलद अब्देल अजीज, और इसके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद सलेह ओल्ड बैचिल। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मोटियाना देश से रिलेटेड।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप 20 शिखर सम्मेलन 2019 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ग्रुप 20 जो शिखर सम्मेलन है ये 2019 में जापान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बी ऑप्शन सही है। और अगर ये शिखर सम्मेलन 2019 में ऑर्गेनाइज किया जाए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस शिखर सम्मेलन में हमारे भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस शिखर सम्मेलन में हमारे भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आप लोग जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 20 जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके 20 देश मेंबर हैं, इन 20 देश के नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये जो लिस्ट प्रोवाइड की है इसमें इस 20 देशों के नाम लिखे हैं, सबसे पहले अर्जेंटीना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, ये 10 देश हो गए। उसके बाद बाकी जो 10 देश हैं वो है इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके और यूएस, ठीक है। ये 20 देश ग्रुप 20 के मेंबर हैं, क्योंकि ये जापान में ऑर्गेनाइज की गई है तो जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जापान इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जापान से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख की हत्या कर दी गई है? तो उस देश का नाम है इथियोपिया, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में इथियोपिया देश के सेना प्रमुख की हत्या कर दी गई है। सबसे पहले तो आपको इथियोपिया देश के सेना प्रमुख का नाम पता होना चाहिए, तो उनका नाम है सियरे मैकनोन, सियरे मैकनोन उनका नाम है जिनकी हत्या कर दी गई है। और इनकी हत्या किन्होंने की है? तो सियरे मैकनोक के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी है। और जो सियरे मैकनोक थे ना, ये इथियोपिया देश के सेना प्रमुख भी थे और इसी के साथ साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष भी थे वहां के। इथियोपिया के बारे में बताती हूँ, यहाँ पर इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा और करेंसी है बिर, और इसके प्रेसिडेंट है शहले वर्ग जेबड़े और प्राइम मिनिस्टर है अबे अहमद अली। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इथियोपिया से रिलेटेड। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये हाल ही में 23 जून को सेलिब्रेट किया गया, बी ऑप्शन सही है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो अलग अलग तरह के खेलों को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है हर साल। और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा किसने की थी? तो 1894 में इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 1894 से ये दिन हर साल मनाया जाता है 23 जून को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल सत्तार का निधन हो गया और आपको बताना है कि वो किस देश के पूर्व विदेश मंत्री थे? तो अब्दुल सत्तार ये पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री थे, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो अब्दुल सत्तार थे ये कब से कब तक पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रहे थे? तो 1999 से लेकर 2002 तक ये पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रहे थे, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में आपको बताती हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी है रूपी, प्रेजिडेंट है अरीफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रधान सलाहकार का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो उनका नाम है ई श्रीधरन, ए ऑप्शन सही है, ई श्रीधरन ने इस्तीफा दे दिया है। और ये जो ई श्रीधरन है ये लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रधान सलाहकार थे। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात नोट कर लीजिए, शायद आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेट्रो मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो उनका नाम है ई श्रीधर, ई श्रीधर को मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो नियुक्ति की गई थी प्रधान सलाहकार के रूप में वो 2014 में की गई थी और हाल ही में इन्हें 2019 में इस्तीफा दिया है अपने पद से। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको ई श्रीधर से रिलेटेड याद रखनी थी, जैसा कि ये लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के प्रधान सलाहकार थे तो लखनऊ के बारे में आपको पता होना चाहिए। लखनऊ आप लोग जानते हैं ना, यूपी की कैपिटल है और यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है रामनेक, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट है 403। और आपको बहुत बार बताया कि यूपी के अंदर ही सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं। और इसका नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क और यूपी का फोक डांस है रासलीला। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ATFM केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय ATFM इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन किन्होंने किया? तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, सी ऑप्शन सही है। जो पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने हाल ही में इस केंद्र का उद्घाटन किया है एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट केंद्र का। और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? तो न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। क्यों किया गया उद्घाटन? तो फ्लाइट अपडेट जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस सेंटर को
खोला गया है। हरदीप सिंह पुरी, इनके बारे में आपको पता चाहिए। देखिए जो हरदीप सिंह पुरी है ना, ये हमारे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है इनसे रिलेटेड ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी का नया मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आईओसी का जो नया मुख्यालय है इसे हाल ही में स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन सही है। और स्विट्जरलैंड के अंदर कहाँ? तो स्विट्जरलैंड के अंदर लोसाने में इसे स्थापित किया गया है। आईओसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको स्विट्जरलैंड के बारे में बताती हूँ। देखिए स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है स्विट्जरलैंड से रिलेटेड। आईओसी इसके बारे में आपको पता चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर लोसाने में है। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बैच, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है क्रिस्टोफ डी केपर, और इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई है। और इसके जो संस्थापक है उनका नाम है पेरे डी कोबेटिन और डी मैटियर विक्लास। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड। सही लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश की महिला टीम ने FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी सीरीज जीती है? तो उस देश का नाम है भारत। सी ऑप्शन सही है। हमारे भारत की महिला टीम ने हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी सीरीज जीती है, और ये सीरीज कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? तो इसे हिरोशिमा में आयोजित किया गया था, जिसे भारत ने जीता है। और फाइनल्स में भारत ने किसे हराया? तो जापान को हराया है। जापान की महिला टीम को भारतीय महिला टीम ने हरा दिया फाइनल्स में। सबसे पहले तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए इसका हेडक्वार्टर लोसाने में है, इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा है, और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई है। इसके सीईओ थैरी वेल हैं, और 137 देश जो हैं वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के मेंबर हैं। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मोटो भी पता चाहिए, तो इसका मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। ठीक है, जापान से रिलेटेड मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बार बार जापान के बारे में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी पर मैच में आक्रामक अपील करने के लिए जुर्माना लगाया गया है? उस खिलाड़ी का नाम विराट कोहली। बी ऑप्शन सही है। और ये इनका दूसरा जुर्माना है जो कि इनके ऊपर लगाया गया है मैच के दौरान आक्रामक अपील करने पर, यानी कि जो ऑपोजिट देश गेम खेल रहा था उनके खिलाफ आक्रामक अपील की है इन्होंने, कुछ इशारे वगैरह किए हैं या फिर कुछ मजाक उड़ाया होगा, तो इसीलिए इन पर ये जुर्माना लगाया गया। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई रही है विराट कोहली, आपको पता ही है कि ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है, और इन पर कितना जुर्माना लगाया गया है? तो इनकी जो मैच फीस होगी उसका 25% जुर्माना लगाया गया इनके ऊपर। और ये मैच किसके खिलाफ हुआ था? तो अफगानिस्तान के खिलाफ ये जो मैच हो रहा था उसमें इन्होंने यह आक्रामक अपील की थी, जिसके दौरान इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। और ये थे आपके 25 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था आपको कि लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा, तो आपका टेस्ट है कि हाल ही में किस देश ने रावण 1 उपग्रह को लॉन्च किया? इन चार ऑप्शन में से बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।